हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गो टू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया तरह का डोरमेट बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने ये 6 नंबर की सिलाई ली हुई है और कपड़े से 1 इंच की पट्टी निकाली हुई है। आप चाहे तो इसे ऊन से भी बना सकते हैं। इसे मैं आपको 30 फंदों में बनाना सिखाऊंगी। तो हम फंदा डालना शुरू करते हैं। पहले सिलाई पर हम एक नॉट बांध लेंगे और देखिए फंदा कैसे डालते हैं। ये देखिए 3 फंदे डल गए हैं, 4, 5, 6, 29, 30। ये हमारे 30 फंदे डल चुके हैं। अब हम डिजाइन डालना शुरू करते हैं। अगर आपके कपड़े की पट्टी बड़ी हो तो इसको हम काट के अलग कर लेते हैं। और हमें सबसे पहले फंदे से ही फंदा बढ़ाना है। देखिए हम फंदा कैसे बढ़ाते हैं। इसको हम सिलाई के ऊपर से ऐसे करके हम फंदा बढ़ा लेते हैं। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया यहाँ पे और बाकी हमें उल्टा बुनना है। और लास्ट में आकर हमें लास्ट में एक फंदा हमें छोड़ना है। इसको पूरा ये देखिए हमें लास्ट में एक फंदा छोड़ के यहाँ पे एक फंदा छोड़ना है और यह पट्टी दूसरी दिशा में करके और पलट जाना है। इधर हमें कुछ नहीं करना है, इधर हमें पूरा उल्टा बिनना है। तो इधर मैं आपको उल्टा बिन के आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए हम उल्टा दिशा में बुन रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसे बस हमें केवल उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे जो हमने एक फंदा बढ़ाया था ये उसको भी हम बुन लेते हैं। ये बढ़ा हुआ फंदा हमारा था जो, उसको हम बुने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए हम फंदा कैसे बढ़ाते हैं। सिलाई के ऊपर से घुमा के इसको हम ऐसे बुन लेते हैं। इसको हम कपड़े के पट्टी के अंदर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी चैनल पे मैंने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट का भी रिव्यू डालती हूँ। नए नए तरह के क्रीम है और तरह तरह के पर्स हैं, लिपस्टिक हैं, उसका मैंने रिव्यू डाला हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब लास्ट में हमें एक छोड़ना है।
देखिए, एक हमने पहली सिलाई पे छोड़ी हुई थी और ये मैंने दूसरी सिलाई पे छोड़ रही हूँ यहाँ पे, और इस पट्टी को पीछे करके हमें दूसरी दिशा में पलट जाना है। और इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर केवल हमें बस उल्टा उल्टा बुनना है, और यहाँ से हमें जो बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी बुनना है, तो इसको हमें बस केवल उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दो सिलाई कंप्लीट हो गया है, ये तीसरी सिलाई है। और हम अब एक बार आपको और बता देते हैं फंदा कैसे बढ़ाते हैं। इसको हम सिलाई के ऊपर से पट्टी घुमा के ऐसे करके फंदा बढ़ा लेते हैं, और इधर इधर आने पर हमें दो की संख्या में एक संख्या पहली सिलाई पे एक छूटा है दूसरी सिलाई पर, इस ऐसे करके हमें ये चार फंदे यहाँ तक छोड़ने हैं। मैं आपको चार फंदे छोड़ने तक मैं इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक दो तीन चार फंदे यहाँ पे हमने छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे मैंने चार फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बढ़े हुए फंदे हैं इनको हमें घटाना है, और इन्हें हर लाइन पर घटाते हुए और यहाँ पर आके हमें एक एक फंदा छोड़ते जाना है। जैसे हमने बढ़ाते समय यहाँ पे चार फंदा छोड़ा है, वैसे हमें यहाँ पे घटाते समय भी चार फंदे छोड़ने हैं। देखिए हम कैसे घटाते हैं, ये दो फंदे में सिलाई डालकर इसको हमें दो का एक कर लेना है। यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया, और हमें इसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। और यहाँ लास्ट में आकर हमें एक फंदा छोड़ देना है। चार फंदे हमने पहले के बढ़े हुए छोड़े थे, अब चार फंदे हमें घटाने हुए के छोड़ने हैं। यहाँ पे मैंने एक फंदा छोड़ दिया है, और यहीं पे पट्टी पलट के इस दिशा में आ जाना है। इस दिशा में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बिनना है। इसको मैं आपको उल्टा बिन कर आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए, हम इस दिशा में आ गए हैं, और हम एक बार आपको और बता दे रहे हैं कैसे घटाते हैं। दो फंदों का हमें एक कर लेना है, और इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे उल्टा उल्टा करना है, बिनना है, और लास्ट में आकर हमें एक फंदा छोड़ देना है। ऐसे करके हमें चार फंदे छोड़ना है। जैसे हमने चार फंदे बढ़े हुए का छोड़े हैं, वैसे हमें घटाने हुए का भी चार फंदा छोड़ना है। तो मैं आपको चार फंदा छोड़ने तक का बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे चार फंदे तक छूट गए हैं। ये हमने पहले का चार फंदा इसमें का छोड़ा हुआ था, मतलब बढ़ाते समय का, और यहाँ पे मैंने चार फंदा घटाते समय का छोड़ा हुआ है। ये हमारे चार फंदे छूट गए हैं। कपड़े की पट्टी को हमें दूसरी दिशा में करके, और इसमें यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमें पूरा उल्टा बुनना है। इसको हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमने यहाँ पे चार फंदे बढ़ाए थे, और यहाँ पे हमने चार फंदे घटाए हैं।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके पहले हमने सिलाई में ऐसे फंदा बढ़ाया है सिलाई की पट्टी के ऊपर से करके, अब हमें ऐसे नहीं करना है। अब हमें फंदा कैसे बढ़ाना है, अब देखिए फंदा कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंदा ऐसे उतार लेना है, उतार के पट्टी हमें पीछे ही रखना है, पट्टी को आगे नहीं करना है। और इसको हमें सिलाई में ऐसे डालकर पट्टी को ऐसे घुमाकर यहाँ से हमें निकाल लेना है और इस पट्टी को आगे कर लेना है और यही से हमें ऐसे बुन लेना है। यहाँ हमें एक फंदा मिल गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंदा उतार लेना है, इसके बाद हमें एक फंदे में दो फंदा बढ़ाना है और इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बुन लेना है। लास्ट में हमें आके यहाँ पे एक फंदा और छोड़ना है। इसके पहले हमने आठ फंदे छोड़े हुए हैं, चार और चार आठ फंदे छोड़े हुए हैं, यहाँ पे हमें एक फंदा और छोड़ना है और यही से हमें कपड़े की पट्टी को पीछे पलट के दूसरी दिशा में घूम जाना है। और इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। इधर मैं पूरा उल्टा बुन के आपको सीधे वाली दिशा में आके मैं आपको दिखा, एक बार हम आपको फिर बता देते हैं फंदा कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस पहले वाले फंदे को उतार लेते हैं और पट्टी को पीछे ही रखते हैं, पीछे रखते हैं और इसके बाद ऐसे लगा डालकर सिलाई को पीछे से हमें ऐसे निकाल लेना है और फिर पट्टी को आगे करना है और इसको यहाँ पर ऐसे बुन लेना है। ये हमारा फंदा बढ़ गया यहाँ पे और इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमें पूरा उल्टा उल्टा बुन लेना है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने आठ फंदा छोड़ा हुआ था यहाँ पे और इसके मैं एक फंदा मैं बढ़ा हुआ फंदे का छोड़ी थी और यहाँ पे हमें एक फंदा और छोड़ देना है और पट्टी को पीछे पलट के इस दिशा में आ जाना है। इसी तरह हमें जैसे हमने दो फंदा इधर बढ़ाया है और दो फंदा इधर छोड़ा है, इसी तरह मैं चार फंदे करके बढ़ा के आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पूरे चारों फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं और यहाँ पे एक एक करके हमने पूरे 12 फंदे छोड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले हमने चार फंदे बढ़ाए थे, फिर यहाँ पे हमने चार फंदे घटाए और जिसका यहाँ पे चार चार हमने छोड़ते गए और यहाँ पे हमने चार बढ़ाए हैं और यहाँ से भी हम गिन के देख सकते हैं 1 2 3 4 जो चार हमारे बढ़े हुए हैं और 1 2 3 4 जो चार हमारे घटे हुए हैं और यहाँ से फिर 1 2 3 4 ये हमने यहाँ पे ये पहले हमने ऐसे बढ़ाए थे और फिर इसको हमने यह गोल से बनाए हैं और अब हमें इसको घटाना है और यहाँ पे हमें 12 फंदे छोड़े हुए हैं और यहाँ पे अब हमको आपको घटाना बताना है। देखिए कैसे घटाना है। सबसे पहले जैसे हमने फंदा बढ़ाया था वैसे हमें घटाना भी है। पहला फंदा हमें उतार लेना है, उतार के पट्टी को आगे कर लेना है और दो फंदे का हमें एक कर लेना है, ऐसे हमें घटाना है और इसको हमें उल्टा उल्टा बुनना है।
और यहाँ लास्ट में आकर हमें एक फंदा छोड़ना है। ये देखिए पहले हमने 12 फंदे हमने पहले से ही छोड़े हुए हैं, एक फंदा हमें ये घटाते समय एक छोड़ते जाना है और यहीं से कपड़े की पट्टी को पीछे पलट के इस दिशा में घूम जाना है। इधर हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर घटाना बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेना है और कपड़े की पट्टी को आगे कर लेना है और इन दो फंदों को एक कर लेना है। इसके पहले हमने एक फंदा घटाया था और ये हमारा दूसरा फंदा घटा है। इसी तरह हम पूरी 4 फंदे घटाना है जिसमें से हमने 2 फंदा घटा लिया है, 2 फंदा और घटाना है और यहाँ पे लास्ट में 2 फंदा मैंने 4 फंदा पूरा छोड़ना है। इतना मैं आपको बना के आपको आगे का बताती हूँ। इधर देखिए हमारा पूरा ये पूरा घट गया है और ये पूरा गोल शेप आ गया है और इधर हमने एक एक करके पूरा 16 फंदे हमारे छूटे हुए हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये हमारे 16 फंदे इधर हैं और इधर हमारे 14 फंदे हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ फंदा बढ़ाया हुआ था सेम यही फंदा ऐसे बढ़ाना है और हमें अब पहले हमने एक एक फंदा छोड़ा हुआ था, अब हमें यहाँ पे 2-2 फंदा छोड़ना है और 7 बार छोड़ना है। और जैसे देखिए हम फंदा बढ़ा रहे हैं, सिलाई के ऊपर से लेकर ऐसे हमने करके एक फंदा बढ़ा लिया और इसे हमने उल्टा उल्टा बुन रहे हैं और लास्ट में आकर हमें पहले हम एक एक फंदा छोड़ते थे, अब हमें 2-2 फंदा छोड़ना है। ये देखिए ये हमारे 2 फंदे, यही से हम कपड़े की पट्टी को पलट के दूसरे दिशा में चले जाना है और यहाँ पे पूरा हमें उल्टा बुनना है। ऐसे करके हमें 7 बार करके 2-2 छोड़कर पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा बढ़ा हुआ फंदा है ये। ये देखिए हम फंदा कैसे बढ़ाते हैं, सिलाई के ऊपर से पट्टी घुमा के ऐसे निकाल के ऐसे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। इसी तरह हम 2-2 करके छोड़ते हुए पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम 2-2 करके यहाँ से हम 2-2 करके 14 फंदा पूरा छोड़ दिए हैं हम, 2 के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हमने पूरे 14 फंदे छोड़े हैं और यहाँ हमने पूरे 7 फंदे बढ़ा लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमने 7 बढ़ा लिए हैं और ये हमने पूरे 14 फंदा 2-2 करके छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हमारे एक एक करके ये 16 फंदे थे। अब हमें क्या करना है, अभी हमारे 7 फंदे बढ़े हैं, इसको हमें पूरा बुन लेना है। इसके बाद हमें घटाना है, देखिए हमें घटाना कैसे है। जैसे हम पहले फंदे से बढ़ाए थे उसी तरह हमें पहले फंदे से ही घटाना है।
दो फंदे का हमें इसमें एक कर लेना है। यहाँ हमारा एक फंदा घट गया और हमें उसको बुनना है। ये देखिए, ये हमारा दो फंदा, इसको हम दो फंदा जैसे जैसे हम घटाए हैं, जैसे जैसे हम फंदा छोड़े हैं, वैसे वैसे हमें फंदा को उठाते जाना है। और यहाँ पे हमें गैप ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठा लेना है, यहाँ से एक फंदा हमें उठा लेना है। और इस फंदे को और दो में जो दो का एक फंदा है उसको दोनों को मिलाकर बुन लेना है। ये हमारा दो फंदा इसमें ले लिए, जैसे जैसे हम फंदा छोड़े हैं वैसे वैसे हमें फंदा उठाना है और उल्टी दिशा में कुछ नहीं करना है, पूरा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, फिर हम आपको एक बार बता दें घटाना, इसको दो फंदे को एक फंदा करना है। ये हमारा यहाँ पे एक फंदा घट गया है। ऐसे तरह हमें पूरा सात फंदे घटाना है और जैसे जैसे हम फंदा दो दो करके छोड़े हैं वैसे हमें दो दो करके लेते जाना है। दो फंदा हमने पहली बार लिया था, अब दो फंदा हम फिर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम ऐसे बुन लेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से एक फंदा उठा लेना है, यहाँ से एक फंदा उठा लेना है और इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को एक साथ बुन लेना है। और ये हमारा एक और फंदा, ये हमारा दो फंदा बुन गया है। अब पट्टी को पीछे करके हमें यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना है। इसी तरह हम जितना 14 फंदा जितना हमने छोड़ा हुआ था दो दो करके, यहाँ पे दो दो करके यहाँ तक पूरा ऐसे करके घटाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करके मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे दो दो करके जो है पूरे 14 फंदे पूरे बुन गए हैं। अब हमारे ये एक 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 फंदे 16 बचे हुए हैं। अब हमें ये वाला बुनना है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंदा उतार कर हमें एक फंदा बढ़ाना है और फिर लास्ट में आकर जैसे हमने एक एक फंदा छोड़ा था वैसे हमें एक एक फंदा बुनते जाना है। पहले हमें 4 फंदे तक बढ़ाना है और फिर 4 फंदे हमें एक फंदा करके उतार के फिर घटाना है। इसी तरह हमें बनाना है। फिर इसके बाद हमें ये वाला जैसे है 4 पहले फंदे से हमें बढ़ाना है और इसे पहले फंदे से घटाना है। इसी तरह हमें एक एक करके ये एक एक फंदा उठाते जाना है और बुनते जाना है और लास्ट में आकर हमें जितना फंदा हमने डाला हुआ था उतना फंदा हमें लास्ट में 30 फंदा हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता दें एक बार फंदा कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले क्या करें, ये फंदा हमें उतार लेना है और पट्टी को पीछे रखना है और इसको ऐसे डालकर एक फंदा बढ़ा लेना है और फिर पट्टी को आगे करना है और फिर इसको बुन लेना है। ऐसे करके हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ गया और इसे हमें उल्टा बुनते जाना है। और जैसे हमने एक एक फंदा छोड़ा हुआ है वैसे हमें एक एक फंदा उठाते जाना है। ऐसे हमें 4 सिलाई फंदा बढ़ाना है और एक एक फंदा उठाते जाना है और फिर 4 सिलाई हमें फंदा घटाना है। फंदा कैसे घटाना है, एक फंदा उतार के फिर दो फंदों का एक कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे ये गैपिंग हो गया। इस गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमें एक फंदा उठा लेना है। उठाकर हमें इस फंदे को और ये एक जो फंदा हमको यहाँ से लेना है दोनों को एक फंदा बना लेना है और यही से हमें पीछे पलट जाना है और यहाँ पे हमें पूरा उल्टा बुन लेना है। इसी तरह से हमें ये वाला फंदा बढ़ाना है।
सबसे पहले फंदे को उतार के उसके बाद फंदा, एक फंदे को दो फंदा बनाना है। और घटाते समय भी हमें एक पहले सबसे पहले फंदे को उतार लेना है और फिर दो का एक कर लेना है। इसी तरह हमें पूरी डिजाइन कंप्लीट करना है, पूरी डिजाइन कंप्लीट करना है और एक एक फंदा उठाते जाना है। मैं पूरी डिजाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी पूरी कली कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने ऐसे इधर हमने जैसे बनाया था और वैसे ही हमने इधर भी बनाया है। और ये हमारा बीच का पार्ट है ये वाला, और यही से हम अपना दूसरा कली स्टार्ट करेंगे, दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। आप चाहे तो अलग अलग कलर की पट्टियाँ, अलग अलग कली बना सकते हैं, लेकिन मैं दो रंगों से ही बना रही हूँ और यही से मैं आपको अलग पट्टी जोड़ना बताऊँगी। यही से हम अलग पट्टी को जोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे हम पट्टी जोड़ लेंगे, इसको बुन लेंगे और इस पट्टी को इसके अंदर करके इसको हम बुन लेंगे। इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर हमें पूरा उल्टा बुनना है। इधर मैं आपको पूरा उल्टा करके बुन के उस छोर पे आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने यहाँ पर एक एक फंदा सिलाई के ऊपर से घुमा घुमा के पट्टी घुमा के फंदा बढ़ाया है, वैसे ही हमें इसमें भी ऐसे ही बढ़ाना है। आइए देखते हैं, सिलाई के ऊपर से पट्टी घुमाकर यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया। इसी तरह हमें पूरी सिलाई बुन लेनी है और लास्ट में हमें आकर एक फंदा छोड़ना है। ये देखिए यहाँ लास्ट में हमें एक फंदा छोड़ देना है और कपड़े की पट्टी को पीछे पलट के इस दिशा में आ जाना है और इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर पूरा हमें उल्टा बुनना है। जैसे हमने इसमें यहाँ पे ऐसे बुना था सेम वैसे ही बुनना है। मैं आपको पूरा कली कंप्लीट करके, ये पूरे चार कली में बन के डोरमेट तैयार होगा, ये चार पत्तियाँ बनेंगी और इसके बाद मैं आपको इसको उतारना और सिलना बताऊँगी। ये देखिए हमारे चारों कली कंप्लीट हो गई है, ये 1 2 3 4। अब इसे हम कैसे घटाएँ ये हम सीखेंगे। घटाने के लिए हमें दो फंदे का एक करना है और फिर इस फंदे को सिलाई पर ऐसे डाल लेना है। इसको ऐसे दो फंदे का एक इसको सिलाई पर ऐसे डाल लेना है। ये देखिए हमारे फंदे घट रहे हैं। इसी तरह हमें पूरे 30 फंदे जो हमारे हैं उनको पूरा घटा लेना है। लास्ट में क्या करना है हमें, इसमें ऐसे इसमें गोला डाल के इसको गांठ लगा लेना है। इसको गांठ लगा के इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब हम डोरमेट सिलाई करेंगे। सिलाई हमेशा हमें उल्टी दिशा में करनी चाहिए। चलिए हम सिलाई करते हैं। सिलाई के लिए हमने ये बड़े वाले सूचे का प्रयोग किया है और हम कपड़े की पट्टी से ही सिलाई करेंगे। आप चाहे तो बड़े वाले सुई और धागा से भी कर सकते हैं। कपड़े की पट्टी से सिलाई करने से कपड़े की बिल्कुल भी पट्टी दिखाई नहीं देती है। इसे हम सिलाई करते हैं और सिलाई हमेशा हमें आगे वाले छोर से करनी चाहिए, यहाँ से।
इसको हम फंसा लेंगे। ऐसे करके हमें पूरा डोरमेट अपनी सिलाई कर लेनी है। कपड़े की पट्टी की सिलाई करने से धागा बिल्कुल पट्टी से दिखाई नहीं देता है और पता भी नहीं चलता है कि हम सिलाई कहाँ किए हैं। ये देखिए हमारी सिलाई हो गई है और ये हमारी सिलाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। अगर आप ये 40 फंदे में बनाना चाहते हैं तो ये आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें 5-5 फंदे लेने होंगे, 5 यहाँ 5 यहाँ और 5-5 करके। और प्रोसेस वही रहेगा जिसमें हमें 30 फंदों में, जैसे हमने बनाया है कि एक बार हमने 16 लिया है और एक बार 14 लिया है, तो इसमें आपको 5-5 फंदे में लेना है, 20 एक बार एक एक करके छोड़ना है और 20 एक बार दो दो करके छोड़ना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर बनाने का तरीका आपको पसंद आए, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए थैंक यू।